Now you can see, wow! इस तरह से बनाइए। बेहतरीन, एक नंबर। तो चाय पीते पीते आज हम बनाएंगे अपनी बहुत अच्छी सी रेसिपी जो बहुत डिमांड में भी है। मेरे पास मैसेज भी आया था उसके लिए पर्सनली कि इसकी रेसिपी डाली जाए। सो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की जो रेसिपी जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो बड़ी इत्मीनान से बनाने वाली रेसिपी है, इसलिए मैंने बड़े इत्मीनान वाले दिन इसको सोचा था बनाने के लिए, और जो है हमारी पाव भाजी। वेलकम बैक टू आवर चैनल अकीदा शेफ और मैं अखिलेश शर्मा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कुकर चढ़ा लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला। अब मैं इसमें बटर ऐड कर रहा हूँ और बटर के साथ साथ 1 टीस्पून मैं इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगा। ये मसाला इसलिए डाला है क्योंकि पैकेट में रखे रखे मसाले पुराने हो जाते हैं, तो थोड़ा घी में या तेल में इसको डाल देंगे तो ये वापस से इनके अंदर फ्रेशनेस आ जाएगी। और इसके साथ साथ ही मैं इसमें टमाटो भी ऐड कर दूंगा। मसाला जलना नहीं चाहिए, तुरंत टमाटो भी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा जीरा। टमाटोज गए हैं तो साथ में सॉल्ट जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगा। और टमाटोज जो हमारे ये है, ये 300 ग्राम टमाटोज है जिसकी मैंने प्यूरी बना ली। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी स्टेज पे मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दूंगा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी भाजी में। साथ में मैं इसमें एक धनिया की जड़ डाल रहा हूँ, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स की ये जड़ है, इसको बाद में मैं निकाल लूंगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। एक तरह समझ लीजिए कि हमको आलू गोभी मटर की एक सब्जी तैयार करनी है और फिर उसका पेस्ट बनाना है, पेस्ट इन द सेंस उसको मैश करना है। अब इसमें मैं अपनी बाकी सब्जियां ऐड कर दूंगा, लाइक ये है आलू जो कि 250 ग्राम है, गोभी जो कि अच्छे से धो के रखी हुई है, और गाजर ये दोनों भी 250 ग्राम है। इसी जगह पे मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूंगा। अब इन सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। पाव भाजी में मेनली 3 वेजिटेबल्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी फूलगोभी, एक है आपकी भारी मटर और एक है आपकी आलू। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और एडिशनल में जो पड़ती है वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये शिमला मिर्च, ये हम लोग अलग से तड़का बनाएंगे तो उसमें डालेंगे और शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो शिमला मिर्च तो आप स्किप ही नहीं कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो सब्जियां यूज करनी है इसमें आलू गोभी और शिमला मिर्च, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जी है पाव भाजी के लिए। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ और इसको सीटी देंगे, कम से कम 5-6 सीटी मारेंगे। 2 सीटी मैं हाई फ्लेम पे दूंगा, बाकी 2 से 3 सीटी मैं मीडियम पे दूंगा जिससे हमारी सब्जी अच्छे से गल जाए क्योंकि उसको हमें बाद में मैश करना है। अब इसको बंद कर देंगे और 2 सीटी मैं फुल पे दूंगा इसको। जब तक हमारी सब्जी उबल रही है, उसे प्रेशर आ रहा है, तब तक हम अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये तेल में मैंने मक्खन डाल दिया और इसके साथ थोड़ा सा मैं सब्जी मसाला डालूंगा और इसको डालते ही 2 सीटी मेरी आ गई हैं। अब मैं बाकी 2 से 3 सीटी इसको मीडियम लो पे मारूंगा और इधर मक्खन जैसे डाला वैसे ही मैंने शिमला मिर्च डाल दी। अब इसको पकाना नहीं है, बस ट्रांसलूसेंट करना है और इसके साथ साथ मैं प्याज भी डाल दूंगा जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। शिमला मिर्च भी मेरी 250 ग्राम ही है और प्याज भी मैं 250 ग्राम ही ले रहा हूँ। उधर सीटी में सीटी आ रही है, टोटल हमारी 4 सीटी उधर हो चुकी हैं, थोड़ी जल्दी सीटी आ रही है इसलिए मैं 2 सीटी इसमें और मारूंगा उस तरफ, और तब तक मैं इसको पका लेता हूँ। इस पे कलर नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, बस इसका एक टेस्ट आना चाहिए शिमला मिर्च का भी, और ये फुल पे गैस करके बस इसको ट्रांसलूसेंट करना है और कुछ नहीं। इसी स्टेज पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगा जो कि 2 टीस्पून है, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है बस। इस प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो मैं इसमें बाकी अपने मसाले ऐड कर दूंगा। मैं बटर इसमें और डालूंगा, पूरा पूरा एक बटर। पाव भाजी में बटर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, जितना बटर आप डालेंगे भाजी में उतना ही ग्रेस आएगा आपकी सब्जी में और उतनी ही अच्छी सब्जी बनेगी। अभी तक जो मैं टोटल बटर डाल चुका हूँ वो टोटल 50 ग्राम डाल चुका हूँ, जिसमें से मैंने इसमें मैंने डाला है 30 ग्राम और जो कुकर में मैंने सब्जी में प्रेशर को कर रहे हैं उस पर 20 ग्राम। अब देखिए ये प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, अब इसमें अपने मैं बाकी चीज ऐड करूंगा।
ये हो गई मेरी टोटल 6 सीटी और मैं इसको बंद कर देता हूं। अब पूरा फोकस हमें अपने तड़के पर रहेगा, इस ग्रेवी पर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, इसी के साथ रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगा जिससे हमारे मसाले जले नहीं और सॉफ्टनेस आ जाए प्याज में भी और शिमला मिर्च में भी। ये देखिए पानी डालते बुलबुले जरूर उठेंगे और फुल फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा इसमें कसूरी मेथी डालूंगा, रोस्टेड है, इसको थोड़ा हाथ में मसल के डालेंगे और इसी स्टेज पे थोड़ा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू, क्योंकि अब ये सब चीज़ें हम फिर से रिपीट करेंगे जब अपनी सब्जी ऐड करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको ढक के पकाऊंगा और गैस को मीडियम कर देंगे। 6 सीटी लग गई है, अब इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया। अब मैं खोल के देख लेता हूँ अंदर का हाल। परफेक्ट। अब इसको हम लोग मैश कर देंगे। इसको चाहिए तो आप उसमें डाल दीजिए तब मैश कर लीजिए, या इसको यहीं पे मैश करके डाल दीजिए, इट डजंट मैटर। ये देखिए क्या बढ़िया से रबड़ी जैसी हमने भाजी बना दी है। अब इसको इधर हमारा भाजी का तड़का तैयार है, इसको भी हम मैश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्याज खड़े खड़े या शिमला मिर्च खड़े खड़े दिख रही है नो इशू, इसको भी मैश कर दीजिए, क्योंकि भाजी में बिल्कुल हर चीज़ मैश हो जाती है। अब इसमें मैं मिला देता हूँ बाकी सब्जियाँ। सब्जी डालने के बाद हम अपना नमक चेक करेंगे इसमें। अगर कोई सब्जी मिस हो गई है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो मैंने अपनी सब्जी के हिसाब से पाव भाजी मसाला डाला है, अभी तक मैंने 25 ग्राम पाव भाजी मसाला ओवरऑल यूज किया है सब्जी को उबालते समय जब डाला था और जब ये तड़का बनाया तब। मुझको आज चुकंदर नहीं मिला, आप लोग चुकंदर अगर मिल जाए तो जरूर डालिएगा, इससे जो है बहुत अच्छा कलर आता है, रेड कलर पाव भाजी का। तो बहुत लोग कलर डाल देते हैं, मैं कलर का यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को खाना है। इसमें चाहिए तो आप ऊपर से टमाटो का सॉस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा कलर के लिए। मैंने दूसरा जुगाड़ निकाला है वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये सरसों के तेल में हल्का सरसों का तेल गर्म किया, ठंडा करके मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया, तो इससे मेरा सब्जी के कलर में थोड़ा फर्क आएगा। बिल्कुल दुकान जैसा तो नहीं होगा लेकिन वैसा आ जाएगा। अब इसको चारों तरफ से अच्छे से मिला दीजिए। फिर इसमें मैं सॉल्ट चेक कर लूँगा। अब इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कलर ख़राब हो जाएगा, कसूरी मेथी रोस्टेड, लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा लाल मिर्च। और इसमें अभी हम एक तड़का देंगे पाव भाजी मसाले, अभी हमने एक ही राउंड डाला है, अभी एक बार हम पाव भाजी मसाला इसमें और डालेंगे। वो कैसे डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। और इस जगह पे भी चाहिए तो आप इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ दिख रहा है, मटर दिख रही है या कोई चीज़ दिख रही है, तो यहाँ पे भी इसको मैश कर सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लुक आ जाए। सॉल्ट चेक कर लेते हैं इसका। नमक कम है, ध्यान रखिएगा नमक हाथ रोक के डालना है। अब इसको घोटेंगे और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, इसमें ये ऐसे गिरनी चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के और इसको लिक्विड करेंगे हल्का सा। ये जमनी नहीं चाहिए चम्मच पे, फॉल आना चाहिए, थिक फॉल। चलिए इसका काम हो गया है। अब अपना एक लास्ट, पहले इसमें पानी डाल देते हैं। अब ये थोड़ा इसमें पानी जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं पानी की क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाएंगे। हाँ, अब इसको ढक के पका लेते हैं, पानी इसका मिल जाए अच्छे से, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए इस तरह से गिरना चाहिए ये करछी से। अब इसके उबाल आने का वेट कर रहे हैं, इसको उबाल देंगे ढक के धीमी आंच पे और अपना तड़का तैयार करते हैं। अब इस पे मैंने डाला बटर, 50 ग्राम बटर मैंने और यूज किया है, और इसमें मैं डालूंगा पाव भाजी का मसाला। और ये तड़का जो होगा ये हमारी पाव भाजी में लगेगा ऊपर से, तो आप सोचे खिल के क्या रंगत हमारे पाव भाजी की हो जाएगी, क्या बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा। और इसको इसमें डाल देते हैं। अब आप देखिए पाव भाजी की रंगत, रेड कलर सिर्फ इस वजह से डार्क रेड नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास चुकंदर नहीं था, दूसरा मैंने फूड कलर यूज नहीं किया बिल्कुल भी। और ये टेस्ट आपको बिल्कुल पाव भाजी का ही मिलेगा, आप इस तरह से बनाइएगा। इसमें जितना बटर है मैं उसको भी निकाल लेता हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। नाउ सी दिस, अभी कहानियां खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा जो दुकान में पाव कैसे आपको देते हैं, सॉफ्ट पाव तवे पे गरम करके। अब मैं आपको पाव की तरफ लेके चलता हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपके पाव सॉफ्ट कैसे होंगे। अब ये पाव देखिए ये पूरे दब नहीं रहे अभी ठीक से, तो इसमें क्या करिए हल्के से पानी के ऐसे छींटे लगाइए चारों तरफ से, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इसके नीचे साइड में, थोड़ा इस तरफ, और इसके बाद इसको आप रख दीजिए माइक्रोवेव में, ज्यादा नहीं 20 सेकंड तक, बस इससे ज्यादा नहीं।
और उसके बाद जब पाव बाहर निकलेंगे तब आप उसको देखिएगा कैसे सॉफ्ट पाव हो जाए। आइए पाव की कंडीशन देखते हैं, बहुत गर्म होंगे और अब कितनी आसानी से देखिए नीचे तक दब रहा है और ये कैसे ऊपर आ रहा उठ के, ये देखिए दिस इज द वे जो आप अपने पाव को सॉफ्ट कर लिए। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, और जो पुराना पाव था ये देखिए इसी जगह मैं ये पाव रख रहा हूँ और ये देखिए इतना फ्लफी नहीं है जितना ये हो रहा है। अब वो करेंगे जादू जो दुकान वाले करते हैं, वो क्या करते हैं देखिए, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी अपनी हम में ग्रेवी मिलाएंगे, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी, और इसको ऐसे फैला लीजिए और इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए और इस तरीके से इनको अच्छे से इसमें ग्रीस कर दीजिए सारा मसाला दोनों साइड से, एंड दिस इज योर पाव आल्सो रेडी। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी वाव, इस तरह से बनाइए और बहुत प्यारी सब्जी बनती है। बटर का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा, जितना बटर डाल दीजिए उतना कम है। साथ में इसके पाव, ये देखिए अंदर से इतने अच्छे से मसाला लगा हुआ है, इस तरह से प्याज मिलता है पाव भाजी सेंटर पे। साथ में धनिया, थोड़ी धनिया गार्निशिंग के, नींबू और ऊपर से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर, एंड दिस इज डन। और इसको तो मैं जरूर टेस्ट करूंगा, अच्छा सा मक्खन इसमें डुबोते हुए अपने पाव को सब्जी में लगा के बेहतरीन, हेवन, एक नंबर। एक बार ध्यान रखिएगा कि मेरी पाव भाजी बिल्कुल रेड कलर की नहीं है, उसके दो रीज़न है। पहला, मुझे चुकंदर नहीं मिला। चुकंदर अगर आपको चाहिए कि आपकी भाजी रेड कलर की बने से दुकान बनती है तो चुकंदर जरूर डालिएगा, ज़्यादा नहीं आधा चुकंदर, वो आपका कलर दे देगा रेड कलर का। अदरवाइज आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, उससे भी कलर आ जाएगा। मैंने इसमें दोनों चीज़ नहीं डाली इसलिए वो कलर नहीं आया, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, तो मैं खाते खाते भी बात कर रहा हूँ। आप ट्राई करिए ये रेसिपी, और आपकी रेसिपी कैसी बनती है जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपकी रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी बनती है और टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। यम्मी यम्मी खाना बनाना तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।